लोकल लड़के थे, ये लोग ने बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू गाइस। मिलते को बोला था मैंने कि मैं आगे और मैं वो पोकी आगे जाके बैठ रहे हैं, तो अगर गिर भी गए तो यार बचा लेना, मर जाएंगे नहीं तो। ये भी अकेला ही है इसके बाप को, ना प्रॉपर्टी कौन खाएगा। यहाँ से जा रहे हैं कुंडेश्वर शायद। अरे भाई लगे थे बहुत दस भी काटे लगे थे। इसको ट्रैकिंग करने का एक्सपीरियंस नहीं है या फिर कोई ज़्यादा घूमता नहीं है, तो उसको ऐसे ही पानी से जाना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे साइड में जगह है, वहाँ से जगह है, यहाँ से भी है पत्थर पे आने के लिए। एक छोटा सा पैच है जो ऑफ रोडिंग है, लेकिन पोकी है वो ले लद्दाख 50-60 बार जाके आया है, इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है चलाने के लिए। बराबर ना? यस यस ब्रो। रीड एंड ट्रांसलेट। बदलापुर से कुछ 10 किलोमीटर दूर है, 9 to 10 किलोमीटर्स, और यहाँ का जो रोड का काम चल रहा है तो सब लोग बाहर ही बाइक कार्स पार्क करके अंदर चल के जाना पड़ता है। और अभी मैंने उससे पूछा कि वाटरफॉल भी है ना यहाँ पे, कुंडेश्वर वाटरफॉल, तो उसमें पानी है क्या अभी भी, तो वो बोल रहे हैं अभी देखेंगे कितना पानी है, और अगर मन किया तो पानी में भी उतर सकते हैं। पहले तो टेम्पल देखेंगे और वाटरफॉल के लिए आए। पीछे भी यहाँ पे भी एक डैम है। मैं पहुँच चुका हूँ कुंडेश्वर टेम्पल के यहाँ पे, लेकिन टेम्पल जो है वो ऑब्वियसली कोविड के वजह से बंद है। फोटोज़ में वीडियोज़ में देखा था कि यहाँ पे बड़ा वाटरफॉल है, बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो ये वाला वाटरफॉल है जिसमें सब लोग जंप करते हैं। ये जो है ये शंकर भगवान का मंदिर है, और अभी बंद है कोविड-19 की वजह से। और जो बोला था सिक्योरिटी गार्ड ने वाटरफॉल, ये वाला है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तार भी है, तो यहाँ पे मैं ड्रोन भी फ्लाई नहीं कर सकता। तो अभी जो वहाँ का डैम है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। पानी ज़्यादा होता तो मैं उतर जाता एक बार, लेकिन पानी होता तो मैं उतर जाता, लेकिन पानी है ही नहीं। तो थोड़े शॉट्स निकालने के लिए पोकी जा रहे हैं अंदर। क्रिस्टल क्लियर वाटर। Cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn down. ये है हमारा आज का लास्ट स्पॉट, कुंडेश्वर डैम। थैंक यू बोगी, थैंक यू टू फॉर कमिंग मुझे घुमाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बदलापुर। ये यहाँ पे 5 साल से रह रहा है, ये पहले अंधेरी में रहता था, मेरा बचपन का दोस्त है ये, हम लोग सब साथ में ही रहते थे। जो इससे पहले वाला ब्लॉग था उसमें भी जो मेरे फ्रेंड्स थे, दुष्यंत, आकाश, विशाल, हम लोग सब चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, साथ में ही बड़े हुए हैं। बाद में ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया बदलापुर में। तो अच्छा है बदलापुर, अगर आपको वीकेंड्स पे यहाँ पे आना है तो आप आ सकते हो शॉर्ट राइड के लिए, शॉर्ट स्पिन के लिए। अगर आपके पास आपको वन डे ट्रिप करना है तो यहाँ पे अच्छे स्पॉट्स है 2-4, आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आ सकते हो बाइक्स पे, कार पे। और स्पेशली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रेनी सीज़न में आओ। मेरे को इसने बताया, इसने बोला कि यहाँ पे जो ब्यूटी है वो बहुत निखर के बाहर आती है। वो थोड़ा टाइम यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे सब लोग बैठ रहे हैं, बहुत सारी एक फैमिली भी है लास्ट, पहले बहुत सारे लोग थे, हम लोग ऊपर थे, तो अभी थोड़ा टाइम बैठेंगे बातें करें।